साल 1 अक्टूबर को ज्येष्ठ नागरिक दिन मनाया जाता है। नागपुर के ज्येष्ठ नागरिक महामंडल ने 1 अक्टूबर को जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों की जरूरत है तथा इसके जरिए परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को उचित न्याय मिलना ही चाहिए, उन्हें कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। गडकरी ने उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक दिन की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मते, विधायक प्रवीण दटके, देवेंद्र दस्तूरी, पार्षद पायलट, अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। ज्येष्ठ नागरिक महामंडल विदर्भ की ओर से वरिष्ठ नागरिक दिन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बदलती स्थिति में जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों के सामने कई समस्याएं पैदा हो गई है। उन समस्याओं के निवारण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शहर में 100 से अधिक मैदान उपलब्ध कराए हैं। प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके, विधायक मोहन मते, देवेंद्र दस्तूरी, नगर सेविका उषा पायलट, अध्यक्ष प्रभु देशपांडे, सचिव एडवोकेट अविनाश तिलंग, श्याम पातुरकर, शालिनी वैद, प्रमोद अंजनकर, सुधीर बोधनकर, लक्ष्मीकांत तुलनकर, हेमंत शिंगोड़ी, पद्माकर मारोटकर, अविनाश जोशी, कमलाकर नगरकर, मनोहर वानखेड़े आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। अविनाश तेलंग ज्यावेळी मला भेटले प्रभुजींचा निरोप घेऊन, त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की आज कार्यक्रम बरेच आहेत, मी 5 मिनिटांकरता आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देण्याकरता येईल। खरं म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ हे आपल्या इथे आता अनेक ठिकाणी सुरू झाले आहेत, कारण कालचे जे तरुण होते ते आजचे ज्येष्ठ झाले आहेत। यापैकी अनेक लोकांनी तुळंदकर वगैरे आहे दोघंही बसले आहेत, त्यांच्यावर विद्यार्थी म्हणून काम केलं, त्यामुळे ही गोष्ट खरी आहे की प्रत्येक वेळा माणसाचा प्रवास बालपणापासून तर तरुणपण आणि नंतर हळूहळू ज्येष्ठ नागरिक म्हणून तो होतो, हा प्रत्येक कोणी याला अपवाद नाही आहे, कारण ज्याचा जन्म होतो त्याचा मृत्यू पण अटळ आहे। त्यामुळे स्वाभाविकपणे जी काही परिस्थिती असेल त्यात आनंदाने आपलं जीवन व्यतीत करणं हे सगळ्यात मोठं कौशल्य आहे। जगजीत सिंगांची सुंदर गझल आहे कागद की कज्जी, त्याच्यात त्यांनी ते वर्णन केलं की वो बचपन मुझे फिर से लौटा, पण हे काही वापस येणार नाही आहे, आणि त्यामुळे आहे त्या आयुष्यामध्ये आनंदात आणि विशेषतः सगळ्यांच्या सहवासात उत्तम प्रीतीचं आयुष्य आपल्या सगळ्यांना प्राप्त हो। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण परिवार में जो ज्येष्ठ जन होते हैं उनकी कमी होते चले जा रही है, और उस ज्येष्ठ जन की कमी का सीधा सीधा असर बच्चों के संस्कारों पर पड़ रहा है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कहता हूं कि हम आतंकवाद की घटना मोदी जी के आने के बाद तो कम हो गई, अन्यथा उसके पहले हम आतंकवाद की घटना पढ़ते थे, आतंकवाद का नाम पढ़ते थे, उसका क्वालिफिकेशन पढ़ते थे, तो 90+ विधायक मोहन मते जी यहाँ पधारे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। करीब करीब 90% से ज़्यादा ऐसे लोग आतंकवाद की श्रेणी में रहते थे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, और करीब करीब 6% ऐसे लोग रहते थे जो मेडिकल ग्रेजुएट है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का अभाव होने से वह पश्चिमी संस्कृति में रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरे करने व अपने माता पिता को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कार देना जरूरी है। सभी अतिथियों का स्मरणिका व सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। संचालन डॉक्टर लीना राउत तथा प्रास्ताविक एडवोकेट अविनाश तेलंग ने किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।